नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा को पटना के अलावा और किसी सीट पर जीत नहीं मिलेगी। लालू ने इसके लिए संघ के नेता का हवाला भी दिया। राजद प्रमुख लालू यादव गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में INDIA की सरकार बनने के बाद जाति आधारित गणना होगी, इसके बाद जनसंख्या के आधार पर देश की सत्ता का बंटवारा होगा। उन्होंने ऐलान किया कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली होगी। यहां से जो हवा देश में फैलेगी वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS का सूपड़ा साफ कर देगी। राजद प्रमुख ने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है, राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाई जा रही है, प्रजातंत्र पर आघात पहुंचाया जा रहा है, विभिन्न दलों के नेता व पार्टी बटी हुई है, इन सबको जोड़कर INDIA बनाया गया है। पटना में बने गठबंधन की अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, अब तक 23 दलों के लोग साथ आ चुके हैं। उन्होंने कहा, लोग पूछते हैं कि INDIA नेता कौन होगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इसमें कोई परेशानी चिंता की बात नहीं है, हम लोग अपना नेता आसानी से चुन लेंगे। जाति आधारित गणना के परिणामों को लेकर भाजपा पर हमलावार होते हुए लालू ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, इसमें इनका सूपड़ा साफ हो गया है। इसके बाद लालू ने कहा कि कोई बता रहा था कि संघी नेता कह रहे हैं कि पटना लोकसभा सीट छोड़कर बिहार में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में इन्हें सीट नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी जाति आधारित गणना की बात कही है, राहुल गांधी ने भी सामाजिक न्याय के झंडे को अपनाया है। देश में INDIA की सरकार बनने पर जाति आधारित गणना कराई जाएगी। लालू ने विपक्षी नेताओं पर होने वाली ED CBI छापेमारी पर कहा कि इसमें उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सब हाथ से निकल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां से भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। वो देश को धोखा देकर सत्ता में आ गए थे, अब इस धोखे के लिए देश उनको धूल चटा देगा।